जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता है और फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है या फिर जोर लगाना पड़ता है, तो इस सिचुएशन को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहा जाता है। ये प्रॉब्लम किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है। कभी ये कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन कभी कभी बहुत लंबे समय तक चलती है। इससे लगभग 60% लोग परेशान रहते हैं, और इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे कि अगर पेट खराब हो तो समझो दिन खराब। और ये सिर्फ दिन ही खराब नहीं करता, बल्कि पेट साफ ना होने की वजह से गैस, एसिडिटी, पाइल्स और हर्निया जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। इससे राहत पाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती दवाइयाँ, चूर्ण, जड़ी बूटी लेते हैं, लेकिन इन तरीकों से कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको डेली सही टाइम पर फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो ये तरीका इतनी जल्दी असर नहीं दिखाएगी। आप इसके साथ साथ कुछ दिनों के लिए मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको डुल्कोफ्लेक्स टेबलेट के बारे में बता रहा हूँ। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। मैं बताऊंगा कि कितनी देर में अपना असर दिखाती है। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। इसे कब तक लेना चाहिए और सबसे जरूरी इसे लेने का सही तरीका क्या है। ये है डुल्कोफ्लेक्स टेबलेट, जो सनोफी इंडिया लिमिटेड का ब्रांड है। इसके एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट्स अवेलेबल होते हैं, जिसका एक गोली की स्ट्रेंथ 5 mg है। इसे खरीदने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और इस 10 गोली की कीमत सिर्फ 10 रुपए है। इसके अंदर बिसाकोडाइल होता है, जो कब्ज को ठीक करने के लिए लिया जाता है। बिसाकोडाइल एंटेरिक नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, जिसे पेरिस्टाल्सिस होता है। पेरिस्टाल्सिस में मसल का कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन होता है, मतलब फूलना और पिचकना, जिसका डायरेक्शन नीचे की ओर जाता है और इंटेस्टाइन पे प्रेशर बनाता है, जिसे हमारे बॉडी का बेस प्रोडक्ट्स कोलोन के जरिए बाहर निकल जाता है और पेट पूरी तरह से साफ रहता है। इसे लग्जेटिव भी कहते हैं। लग्जेटिव वो सब्सटेंस होते हैं जो स्टूल को सॉफ्ट बनाते हैं और फ्लूइड सॉल्ट के सिक्रीशन को बढ़ावा देते हैं। बहुत से टेस्ट या सर्जरी जैसी कोलोनस्कोपी, इसमें पेट साफ रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले इस टेबलेट से पेट साफ करते हैं, फिर सर्जरी स्टार्ट होती है। हालांकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पर पेट में दर्द, उल्टी जैसा लगना, रेक्टस में खून आना और दस्त जैसी प्रॉब्लम लगे तो दवाई को यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर की सलाह लें। अगर आप इस टेबलेट का यूज करते हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान दें, जैसे कि इसे लेने से पहले या बाद अल्कोहल का सेवन ना करें, प्रेगनेंसी में इसका यूज ना करें, पर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए ये सेफ है। अगर आपको बिसाकोडाइल से एलर्जिक है तो इसे यूज करने से बचें। रेक्टल ब्लीडिंग के केस में इसे यूज ना करें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। चलिए अब जानते हैं कि इसे लेने का सही तरीका क्या है, डोसेज क्या है। आप इसका एक टेबलेट रात में सोने से पहले गुनगुने पानी से ले सकते हैं। ये अपना असर दिखाने में 6 से 10 घंटे का समय लेती है। सुबह होते ही आपका पेट साफ हो जाएगा, जिससे आप हैप्पी और फ्रेश फील करेंगे। आप इसका यूज अपने प्रॉब्लम के अनुसार तक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए इन्फो हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं।